This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। महाराष्ट्र में अगर बिल्डर पुनर्विकास प्रोजेक्ट में देरी करें तो रद्द किया जा सकता है उनके साथ करार। फंड की कमी से जूझ रहे बिल्डर क्या अब पुनर्विकास के प्रोजेक्ट लेने से करेंगे परहेज। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और करण जाड़े के रियल एस्टेट बाजार की विकास और चुनौतियों पर एक नजर। जानकार मानते हैं कि मुंबई में अगर रिहायश की समस्या का हल चाहिए तो वो है पुनर्विकास यानी कि रीडेवलपमेंट, पुरानी इमारतों को तोड़कर नई इमारतें बनाना। लेकिन ये रास्ता भी खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में जिन मकान मालिकों ने बिल्डरों के साथ अपनी इमारत के पुनर्विकास का करार किया हो वो मुसीबत में भी कभी कभार फंस सकते हैं। लेकिन हाल ही में आए बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश ने मकान मालिकों को हक दिया है कि अगर बिल्डर काम में कोताही बरते तो ये करार रद्द किया जा सकता है। 2008 में भरत गांधी के अपार्टमेंट का पुनर्विकास शुरू हुआ। वादा था कि मौजूदा 400 वर्ग फुट फ्लैट के साथ 135 वर्ग फुट और जगह मिलेगी। भरत को यकीन था कि उन्होंने फायदे का सौदा किया है, लेकिन असलियत कुछ और निकली। जो दूसरे के साथ हुआ है, जो हमारे बिल्डिंग में भी हुआ है, कि जो टाइम गैप दिखाया गया था 2 साल का और प्लस 6 महीने का टाइम दिया गया था, वो भी पास हो गया। बिल्डर को ओसी भी नहीं, पार्ट ओसी भी नहीं मिला। इसके खिलाफ भरत की सोसाइटी अदालत में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए लड़ रही है। लेकिन ये कोई अनोखा मामला नहीं है। जानकारों का मानना है कि लगभग 2000 सोसाइटीज जिन्होंने बिल्डरों के साथ करार किए हैं उसमें से 50% प्रोजेक्ट इसलिए अटके पड़े हैं क्योंकि बिल्डरों के पास आर्थिक हालात ठीक नहीं है। इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बहुत अहम है, जिसमें गोरेगांव की एक हाउसिंग सोसाइटी को काम अंजाम न देने के लिए कुमार बिल्डर्स के साथ पुनर्विकास का करार रद्द करने की इजाजत दे दी गई। इस फैसले से उन सभी हाउसिंग सोसाइटीज को राहत मिली है जिनके पुनर्विकास कार्यक्रम महाराष्ट्र में अटके पड़े हैं। टुडे वी हैव बीन थिंकिंग दैट वंस वी एंटर इनटू अ डेवलपमेंट एग्रीमेंट टर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ दैट वी हैव क्रिएटेड द। अभी हम सोचते थे कि विकास का करार कर लिया तो उसे रद्द नहीं कर सकते क्योंकि उनकी भी हिस्सेदारी हो गई है। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मामला है जिसमें डेवलपर ने थर्ड पार्टी राइट्स बना दिए हैं। अब हाईकोर्ट के निर्णय के बाद डेवलपर्स को भी उस समय में काम करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं किया तो उनको परेशानी हो सकती है। शुड बी कॉम्प्लाइंग विद द रिक्वायर्ड यू नो फॉर्मेलिटीज विद इन द गिवन टाइम एज एग्रीड इन द डीए एंड इफ ही डिफॉल्ट्स ही आल्सो विल बी यू नो कॉशनड दैट ही विल बी इन ट्रबल। पुनर्विकास के इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि ये फैसला अच्छी खबर बनकर आया है। कलेक्टर भूमि पर करीब 2500 सोसाइटीज, मार्डा भूमि पर 3500 से अधिक सोसाइटीज और 1995 से पहले बनी लगभग 20,000 निजी सोसाइटीज पुनर्विकास करवा रही हैं। इस फैसले से पुनर्विकास में जुटे बिल्डरों पर क्या असर पड़ेगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि अब डेवलपर पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स लेने से परहेज करेंगे और उन्हें तभी बढ़ावा मिलेगा अगर सरकार अपनी नीतियों में सुधार लाए। कुछ ईमानदार बिल्डर भी पैसों की कमी के कारण फंसे हुए हैं। आजकल बिल्डरों को फंड आसानी से मिलते नहीं क्योंकि वो कई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं।
ज्यादातर बिल्डर्स के पास लोन बैकअप्स होते हैं, लेकिन मुश्किलों की वजह से रफ्तार धीमी हो जाती है। वो ऑन अ लिटिल स्लो पे। मुंबई से अंकिता, एनडीटीवी। तो इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमेश प्रभु, जो कि चेयरमैन हैं महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन के, और उदय वाविकर हैं जो कि एक सीनियर लॉयर हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। मुंबई में सोसाइटीज, ये शायद ये शब्द सोसाइटी का हम लोगों ने सीखा ही मुंबई से, क्योंकि वहाँ पर उसी उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, और आज अगर पुनर्विकास नहीं किया जाता है तो रिहाइश की समस्या का को हल करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर बिल्डर अपने करार पे नहीं खरे उतरते तो कितनी मुश्किल खड़ी हो जाती है। देखिए, यदि डेवलपर अपना टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से नहीं करते हैं तो लोग जिन्होंने एक सपना लेके बैठे हैं कि हमें 2 साल में घर मिलेगा, 3 साल में घर मिलेगा, वो सपना टूट जाता है। दूसरा, कौन डेवलपमेंट के लिए जाते हैं? रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं जिस बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, जो सही ढंग से वो खराब हुआ है और उसका मेंटेनेंस गया 10-15 साल से नहीं हो पाया और पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो जब बिल्डर को अपॉइंट किया जाता है तो उसका देखभाल करना भी रोक देते हैं और कोई घर का इंटीरियर भी नहीं होता है। इससे क्या होता है कि बिल्डिंग का जो स्थिति है बहुत खराब होता है और बारिश में तो इतना लीकेज आता है। तो लोगों को लगता है कि यदि बिल्डर ने जिन्होंने 2-3 साल में करता है करके बताया वो नहीं करता है तो इतना मुश्किलें करना पड़ता है कि उनका आगे किस तरह से अलग अलग जगह में जाना पड़ता है, घर देखना पड़ता है। और यदि बिल्डर हर बार बोलता है कि 6 महीने में होगा, 2 साल में होगा, 1 साल में होगा, तो ये एक अलग खाव में रहते हैं और एंग्जाइटी रहता है और इतने खराब स्थिति में वो उनको ये जाना पड़ता है, उससे उनको ऐसा लगता है कि ये रीडेवलपमेंट जो निर्णय लिया वही गलत हुआ। तो जब ऐसा होता है वो बिल्डर के वजह से या जिसी के वजह से, तो फिर उनको इतना फ्रस्ट्रेशन होके जो बिल्डर को उन्होंने नियुक्ति किया, जो काम टाइम में नहीं करता है, उनको कैंसिल करने तक आ जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन का लेवल अलग ढंग से जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी बिल्डर ने डेवलपमेंट लेता है उनको टाइमली कॉम्प्लायंस करना ही चाहिए। जी उदय जी, 1000 सोसाइटीज़ का रीडेवलपमेंट अटका पड़ा है किसी न किसी वजह से, क्या ये जो आदेश आया इसके बाद इनको कोई ना कोई उम्मीद की किरण दिखाई देगी कि शायद अब उनका भी कुछ हो सके? जैसे आपने कहा कि ये जजमेंट एक उम्मीद की किरण है, इसके पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी जी ने एक जजमेंट पास किया था जिसके तहत ये कहा था कि एक अगर आप बेकायदा कोई काम करोगे, जो धारा 79 की गाइडलाइन है बिल्डरों के लिए और सोसाइटीज़ के लिए, वो अगर उन्होंने कंप्लीट नहीं की तो आप सारे रीडेवलपमेंट में स्टे लाके रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हैं। मगर फिर वो जजमेंट सेट असाइड हो गया। आज भी इतना अच्छा जजमेंट आया है, मगर मैं समझता हूँ, मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक, इवन बिल्डर को निकालने के लिए जो ऑर्डर हुआ है ऑनरेबल हाईकोर्ट का, वो डिविजन बेंच ने टेम्परली स्टे कर दिया है। ऑफकोर्स प्रोसेस जारी रखने के लिए बोला है, दूसरे विकासक को अपॉइंट करने के लिए। मगर जो आज बिल्डर्स मुंबई में सपना बेच रहे हैं, क्योंकि बिल्डरों का कोई एक्रीडेशन नहीं है, बिल्डरों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी बिल्डर उठ के खड़ा हो सकता है और सपने बेच सकता है। और यहाँ ऐसे हो गया कि काफ़ी दलाल आए हैं जो प्रोजेक्ट ले लेते हैं और फिर बड़े बिल्डर्स को बेच देते हैं। ऐसा भी हुआ है, वैदेही आकाश जैसे बहुत सारे उदाहरण है मुंबई में जहाँ रीडेवलपमेंट अटका पड़ा है। पार्टनर्स के प्रॉब्लम के लिए भी पुनर्विकास अटका पड़ा है। लोग रास्ते पे आ गए, अपना खुद का घर छोड़ के उन्होंने दूसरा घर लिया और बाद में जो उनको भाड़ा मिलने वाला था, रेंट मिलने वाला था अल्टरनेट, वो भी बिल्डरों ने बंद कर दिया और मध्यम वर्गीय लोगों की बहुत तकलीफ हो गई। तो ये जो रीडेवलपमेंट की समस्या है, इसके लिए ये जजमेंट तो मैं कहूँगा बड़ा अच्छा जजमेंट है कि अगर विकासक ने एग्रीमेंट के तहत जो 29 महीनों में इस केस में करना था बांगुर नगर में वो नहीं किया और एक्सटेंशन के बाद भी नहीं किया, तो उनको रद्द करके दूसरा विकासक लाने की परमिशन उनको है अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो। और होता क्या है कि ये लोग प्रोजेक्ट ले लेते हैं, सब आपको सपने दिखाते हैं, एग्रीमेंट भी कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब पॉसिबल नहीं है, अब आपकी जगह मैं छोटी कर दूंगा क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन चेंज हो गए हैं, अब मुझे अप्रूवल्स नहीं मिल रही है ऊपर जाने की, तो उसके लिए मैं अब प्रोजेक्ट ही चेंज कर दूंगा, पूरा बिल्डिंग का नक्शा चेंज कर दूंगा। ये सब बाद में रीनिगोशिएशन होता है,
पहले तो एक आपको एग्रीमेंट कर देते हैं, फिर नया एग्रीमेंट बनता है और टोटल रीनेगोशिएशन होता है, जिसके लिए ग्राहकों को बड़ी दिक्कत आ जाती है, वो सही नहीं है और उसको मॉनिटरिंग होना चाहिए। हो चुका होता है जाहिर तौर पर। रमेश जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इससे नज़र आ रहा है कि भरोसे की कमी है लोगों में रीडेवलपमेंट का रास्ता अपनाने के लिए, तो क्या लोग कोशिश करते हैं कि जब तक हो सके रीडेवलपमेंट के रास्ते जाएं ही ना? नहीं नहीं, बेशक उनको रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि हर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस है, जितना अच्छे तरह से होना चाहिए उतना अच्छे तरह से नहीं हो पा रहा है। घर में 20-25 लाख रुपए का खर्चा करके वो इंटीरियर करते हैं, जब सोसाइटी के मामला में रिपेयरिंग के बारे में आते हैं 2-3 लाख रुपए भी देना है तो लोग इकट्ठा नहीं करते। मेंटेनेंस बहुत पुअर है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का स्थिति भी अच्छा नहीं है, तो रीडेवलपमेंट एक अच्छा मौका है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको एनकरेज किया है। आज एक FSI से जो बिल्डिंग बना है उधर 2.7 FSI सबब में बन सकता है, जो माड़ा बिल्डिंग है उधर 3 FSI बन सकती है, सेस बिल्डिंग्स है उधर भी 3 और या क्लस्टर में जाते हैं तो 4 FSI बन सकता है, अलावा 35% फंजिबल FSI मिल जाती है। इसका मतलब रीडेवलपमेंट में आपको एक बेडरूम या डेढ़ बेडरूम एक्स्ट्रा मिल जाता है, आपको एमिनिटीज़ मिलता है, तो ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि बिल्डिंग जो एम्यूनिटीज़ नहीं है, जैसा पार्किंग नहीं है, आपको लिफ्ट का सुविधा नहीं है, जिम नहीं है, या जो बिल्डिंग में लीकेजेस है, तो आपको नया घर मिलता है, नया एम्यूनिटी मिलता है, उसके साथ आपको कॉर्पस मिलता है, भाड़ा मिलता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक छोटा सा ग्रीड, जैसा महात्मा गांधी ने बताया कि हर आदमी के लिए जो नेसेसरी के लिए बहुत कुछ रिसोर्स है, लेकिन इधर ग्रीड के लिए कोई रिसोर्सेस कम पड़ती है, तो इधर लोगों का ग्रीड भी बहुत हो रहा है। तो जहाँ लोग सही ढंग से प्रोसेस करेंगे, जहाँ गवर्नमेंट ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करना चाहिए, 79A का डायरेक्शन दिया, उस हिसाब से ट्रांसपेरेंट सिस्टम में करते हैं कामकाज, और बिल्डर को उनका क्रेडिबिलिटी देखते हैं, उनका एक्रेडिशन देखते हैं, उनका बैकग्राउंड देखते हैं, तो मुझे लगता है कि रीडेवलपमेंट जो है अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम जो बात कर रहे हैं अटका हुआ है, हजारों बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो चुका है, आज सेस बिल्डिंग का भी 5,000-6,000 बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो चुका है, सबब में भी हजारों बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हुआ है। तो रीडेवलपमेंट होने के बाद आप जिस लोगों से आप पूछेंगे तो बोलेंगे कि हमको अच्छा घर मिला है, बहुत सुविधा मिला है, लेकिन आप ऐसे बिल्डर को सिलेक्ट करते हैं जो एजेंट गिरी करता है, ऐसे बिल्डर को सिलेक्ट करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर बनकर आज बिल्डर बनना चाहते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे ज़मीन में पैसा नहीं डालना है, मुझे सिर्फ इनको भाड़ा देना है, और कुछ करप्शन जो नहीं होना चाहिए हाउसिंग सोसाइटी में, वो भी करप्ट प्रैक्टिस से भी ये चीज हो रहा है, तो ये सब रुक जाती है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, मुझे लगता है कि रीडेवलपमेंट बहुत अच्छा है और जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उदय जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि सावधान तो रहें लेकिन किस तरह से रहें, जब करार कर रहे हो तो किन बातों का ख्याल रखें? बहुत ही अच्छा सवाल है, जब आप करार कर रहे हो, एक तो PMC आजकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, और आपका एक सेपरेट कानून तज्ञ होना चाहिए जिसने अपना आपका करार बराबर देखना चाहिए, क्योंकि करार सबसे महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो ये करार में एक पावर ऑफ अटर्नी लेके प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट भेज दिया, जैसे वैदी आकाश में हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए करार एक बिल्कुल सही ढंग से प्रॉपर और इंडिविजुअल एग्रीमेंट, यानी कि रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट सोसाइटी के साथ तो होता ही है, साथ साथ वैयक्तिक करार भी होने चाहिए हर फ्लैट परचेसर के साथ, कि उसको कहाँ फ्लैट मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या एरिया होगा, वो बिल्कुल स्पेसिफिक महाराष्ट्र फ्लैट ओनरशिप एक्ट के तहत, वो अभी नया डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन की तरह ऐसे करार बिल्कुल कायदे कानून तज्ञ से करने चाहिए। और इससे भी ज़्यादा लोगों को ये देखना चाहिए कि जैसे प्रभु जी ने अभी सही कहा कि हमें इसमें रियलिटी में क्या मिल सकता है, एक अच्छा बिल्डर अगर आप सिलेक्ट करोगे, रेप्यूटेड बिल्डर सिलेक्ट करोगे, सतर्क रहोगे, तो आपको आपकी जगह नया फ्लैट मिल सकता है। उसके साथ साथ आज एक नया दौर है सेल्फ रीडेवलपमेंट का, मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आपको फाइनेंस दे रही है और आपको एक्सपर्टीज़ भी मिल सकता है, जैसे अभी लार्सन एंड टुब्रो है, टाटाज है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग भी इसमें कंस्ट्रक्शन में आई है, तो सोसाइटी खुद क्यों नहीं रीडेवलप करे, क्यों बिल्डर को दे, अगर उनको फाइनेंस मिले, अगर उनको सहूलियत मिले, एक्सपर्ट एडवाइस मिले, तज्ञ लोगों का सलाह मिले, तज्ञ लोगों की सहायता मिले, तो सोसाइटी खुद कर सकती है और ये पूरा प्रॉफिट खुद का नवनिर्माण करके वो बना सकती है, और एक तरह के लोग इनके ही लोग उसी कल्चर के उसी तरह से अच्छे लोग वहाँ आएंगे, और फिर हेट्रोजीनियस भी नहीं होगा, अलग अलग टाइप के लोग भी नहीं आएंगे, और जो पहले होता था बम्बे में वो आज भी हो सकता है, तो ये सेल्फ रीडेवलपमेंट का भी सोचना चाहिए मेरे ख्याल से, जिससे सोसाइटी को बहुत फ़ायदा होगा
और उनका कॉर्पस भी बढ़ेगा, मेंटेनेंस कम हो जाएगा और आने वाले सालों में उनको अच्छे लोग भी मिलेंगे साथ में, तो ये सोचना चाहिए। आज बैंक्स भी उसको फाइनेंस कर रही है जी। तो ये बात, इस बात से तो सभी सहमत हैं कि पुनर्विकास बहुत ज़रूरी है अगर मुंबई की रिहाइश की समस्या को हल करना है, लेकिन सावधानी बरतना भी ज़रूरी है ताकि आगे जाके किसी तरह की शिकायत और मुश्किल ना खड़ी हो। फिलहाल आप दोनों स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।